संतोष के पास एक ही हाथ है, इसके बावजूद उसने अपनी दिव्यांगता को हावी नहीं होने दिया। आज वह सिलाई करके अपने घर को चला रही है, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है। बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूर नौखा गांव में एक हाथ नहीं होने के बावजूद भी संतोष हजारों महिलाओं को सिलाई और मेहंदी सिखा रही है। संतोष ने कहा कि वह 10 सालों से सिलाई और मेहंदी सीख रही है। पहले उनकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तब अपने पति की मदद करने के लिए उन्होंने सिलाई और मेहंदी सिखाना शुरू किया। वे आगे कहती हैं कि उनके पति जगदीश प्रसाद एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं, लेकिन जरूरतें बढ़ने से वे स्वयं अपने पति की मदद करके घर चलाना शुरू कर दिया है। संतोष की दो बेटियां हैं, वह अभी छोटी है। संतोष ने बताया कि वह लड़कियों और महिलाओं को सुबह और शाम का बैच लगाकर काम सिखाती हैं। अभी 40 से 50 महिलाएं और लड़कियां सिलाई और मेहंदी सीखने के लिए आ रही हैं। एक एनजीओ से संपर्क के बाद दो बैच तो फ्री में पढ़ा रही है तथा बाकी बैच में वह फीस लेती है, जिससे वह अपना घर का खर्चा चला सके। अब तक हजारों महिलाएं और लड़कियों को सिलाई और मेहंदी सिखा चुकी है संतोष। संतोष ने बताया कि उसने 5 साल की उम्र में एक्सीडेंट में एक हाथ गंवाया था। वह बताती है कि जब वह पैदल चलकर रोड क्रॉस करके जा रही थी, तब ट्रक उसके हाथ के ऊपर से निकल गया। जैसे जैसे बड़ी हुई तो हाथ नहीं होने का मलाल हुआ, लेकिन माता पिता और स्कूल के शिक्षक ने उसका हौसला बढ़ाया और एक हाथ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरा नाम संतोष बायती है, मैं नौखा के जोरावपुरा में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम जगदीश प्रसाद बायती है। मैं 10 साल से लड़कियों को सिलाई और मेहंदी का प्रशिक्षण दे रही हूँ। मैंने आज तक 700-800 महिलाओं और लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया है और 400-500 महिलाओं को मेहंदी का प्रशिक्षण दिया है। और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैंने ये कदम उठाया, जिससे मैं अपना घर का आर्थिक स्थिति ठीक हो और अपने घर का अच्छे से काम चले। इसके बाद उस टाइम जो मैंने आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए सिखाया, अब मेरा ये मतलब लड़कियों को सिखाने का एक उद्देश्य मकसद हो गया है कि हर कोई लड़की हर कोई महिला अपने पैरों पे खड़ी हो और ट्रेनिंग लेके अपना रोजगार करे। मैं खुद हैंडीकैप्ड हूँ, मेरा राइट हैंड नहीं है, फिर भी मैं सारा काम करती हूँ।